हेलो दोस्तों, आज हम आजीविका के भाग दो पे चर्चा करेंगे। तो बच्चों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे ग्रामीण समुदाय के पेशेवर सदस्य और शहरी आजीविका। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं ग्रामीण समुदाय के पेशेवर सदस्य से। बच्चों, आपको प्रायः हर गांव में ऐसा परिवार मिल जाएगा जिनके सदस्य कोई खास तरह के ही कार्य करते हैं। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं, कोई भी गांव में सबसे जो मुख्य कार्य होता है वो है कृषि कार्य। पर इसके अलावा गांव के लोग और भी बहुत सारे कार्य में सम्मिलित होते हैं, जैसे कि कुछ लोग लोहे से बनाने वाले औजार जो कि कृषि में यूज होता है, जैसे कि हल, कुल्हाड़ी आदि, ये सब बनाते हैं। तो कुछ लोग मिट्टी के बर्तन बनाकर अपनी आजीविका चलाते हैं। वहीं कुछ लोग लकड़ी का फर्नीचर बनाते हैं, तो कुछ लोग नाई का भी काम करते हैं। वहीं पे कुछ लोग स्त्री का अर्थात प्रेस का भी कार्य करते हैं। तो बच्चों, इसका आपको मतलब ये निकला कि एक ही गांव में आपको ऐसे समुदाय दिखेंगे जो अलग अलग कामों में लगे हुए हैं और अपना जीवन यापन कर रहे हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम अपनी चर्चा ग्रामीण समुदाय के पेशेवर सदस्य पे जारी रखेंगे और अब हम चर्चा करेंगे गांव की दुकान की। बच्चों, प्रायः हर गांव में दुकान मिल ही जाती है और ये दुकान जो है हर वो सामग्री रखते हैं जो कि गांव वालों के इस्तेमाल की होती है या जो उनकी आधारभूत सुविधाओं की पूर्ति के लिए होती है। बच्चों, गांव में दैनिक जीवन के लिए आवश्यक वस्तु जैसे अनाज, साबुन, तेल, मसाला, बिस्किट, दाल आदि सब दुकान पे मिल जाते हैं। इसके अतिरिक्त गांव में सब्जियां तथा फल भी मिल जाते हैं। यहाँ तक कि आजकल गांव में मोबाइल, मोटरसाइकिल, टेलीविजन इन सबको बनाने की भी दुकान होती है और यहाँ तक कि ये सब सामग्री बेचने के लिए भी रखते हैं। दोस्तों, गांव वाले ये सारी सामग्री या तो नगद देके या अनाज के बदले या उधार लेते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि आज के दौर में हर गांव में उनकी जो भी मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी सामग्री होती है वो उन्हें वहां पे आराम से मिल जाती है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम एक केस अध्ययन करेंगे। ये जो केस है नेतरहाट गांव के लोगों की आजीविकाओं के बारे में है। दोस्तों, नेतरहाट जो है झारखंड के लातेहार जिला के महुआ डांड प्रखंड में स्थित है। ये जो गांव है ये चारों तरफ से पहाड़ियों एवं जंगल से घिरा हुआ है और कह सकते हैं कि ये जो गांव है ये प्राकृतिक के गोद में बसा हुआ है। दोस्तों, नेतरहाट गांव को झारखंड का काश्मीर व छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है। यहाँ पर राज्य का प्रसिद्ध शैक्षिक संस्थान नेतरहाट आवासीय विद्यालय स्थित है। बच्चों, इस आवासीय विद्यालय की स्थापना सन 1954 में हुई थी। बच्चों, ये विद्यालय 10+2 तक की पढ़ाई करवाती है जिसका माध्यम हिंदी और इंग्लिश दोनों ही है। आपको पता है ये विद्यालय इतना प्रसिद्ध है कि इसने देश को अनेक उच्च अधिकारी दिए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अब हम एक केस अध्ययन करेंगे। ये केस नेतरहाट गांव के लोगों की आजीविकाओं के बारे में है। बच्चों, लोगों की जहां पे प्रमुख आजीविका जो है वो है कृषि और पशुपालन।
बात अगर हम कृषि की करें तो यहाँ पे अनाज, दलहन और तिलहन तीनों तरह की खेती की जाती है। अनाज में मुख्य रूप से चावल, गेहूं, मकई और महुआ की उपज होती है। वहीं पे दलहन में अरहर और उड़द उपजाए जाते हैं। तिलहन में वहां के लोग सोयाबीन, तिल और अलसी उपजाते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम अपनी चर्चा नेतरहाट गांव के लोगों की आजीविकाओं पे जारी रखते हैं। बच्चों, कृषि के अलावा यहाँ के लोगों की अन्य मुख्य आजीविकाएं हैं बागवानी, जिसमें वो नाशपाती और आम के बगीचे लगाते हैं। इसके अलावा वहाँ के लोग पशुपालन भी करते हैं, जिनमें बकरी पालन, मधुमक्खी पालन और मुर्गी पालन मुख्य है। बच्चों, नेतरहाट के लोग बॉक्साइट खदान में भी कार्य करते हैं। ये खदान बिमरला, कुंजाम, पाट और चौड़ा पाट में स्थित है। यहाँ के लोग अपने आजीविका के लिए वन्य उत्पादों पे भी आश्रित होते हैं, जैसे कि जलावन के लिए लकड़ी, चारा, दातुन, पत्ते तथा जड़ी बूटी, जहां तक कि वे तुलसी को सुखा के भी मार्केट में बेचते हैं। बच्चों, अगर हम बात करें छोटे व्यवसाय की, तो जहां पे लोग छोटे व्यवसाय जैसे बांस की टोकरी, मिट्टी के बर्तन और शिक्षक, बढ़ई, साइकिल मरम्मत और लोहार जैसे कार्यों में सम्मिलित होते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम चर्चा करेंगे शहरी आजीविका पे। बच्चों, क्या आपको पता है हमारे भारत देश में 5,000 से ज्यादा शहर एवं कई महानगर हैं, और अगर हम इनकी जनसंख्या की बात करें तो प्रत्येक महानगर में लगभग 10 लाख से भी ज्यादा की जनसंख्या है, और ये सारे लोग अपने आजीविका के लिए कोई ना कोई काम में लगे हुए रहते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि शहरों की जो जिंदगी है वो कभी रुकती नहीं है, अर्थात शहरों में लोग अपने आजीविका को चलाने के लिए, अपने परिवार के भरण पोषण के लिए भिन्न भिन्न कार्यों में लगे हुए हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अब हम चर्चा करेंगे शहरी आजीविका पे। तो अब हम चर्चा करने वाले हैं शहरों में विभिन्न प्रकार की आजीविका पे। तो बच्चों, पहला आता है फुटपाथ व्यापारी। बच्चों, आपने अपने शहर में देखा होगा कि लोग सड़कों के किनारे या फुटपाथों पे तरह तरह की वस्तुओं को बेचते हैं, अर्थात ये लोगों को जो है वो अपना जो कार्यभार है वो खुद ही संभालना होता है। वे माल खरीदने एवं दुकान लगाने की योजना खुद में ही करते हैं, पर दोस्तों, इनकी जो दुकान होती है वो अस्थाई होती है, क्योंकि जिस जगह पे ये दुकान लगाते हैं वो उनकी आरक्षित जगह नहीं है, इसलिए म्युनिसिपल वाले लोग उनकी दुकानें समय समय पे हटाते रहते हैं। सड़क के किनारे या फुटपाथ पे तरह तरह की वस्तुएं बेची जाती हैं, जो आप जरूर देखे होंगे। जब भी आप शहर जाते होंगे, आपने फुटपाथ पे गौर जरूर किया होगा, कितना रंगीन लगता है वो, क्योंकि तरह तरह की वस्तुएं वहां पे बेची जा रही होती हैं। बच्चों, धूप और बारिश से बचने के लिए ये खंभों पे तिरपाल या प्लास्टिक की शीट चढ़ाते हैं, और भारत के शहरी इलाकों में अगर हम बात करें तो 1.5 से 2 करोड़ लोग फुटपाथ और ठेलों पे सामान बेचते हैं। तो आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे भारत की कितनी बड़ी जनसंख्या का भाग फुटपाथ पे और ठेलों पे सामान बेच के अपनी आजीविका चलाते हैं। बच्चों, चूंकि इनका व्यवसाय अस्थाई होता है, अर्थात कभी भी म्युनिसिपल पार्टी के लोग उसे हटा देते हैं, तो इनका क्या होता है, इनकी माल, धन,
सबकी हानि होती है, क्योंकि यही इनकी रोजी रोटी का जरिया होता है। इसीलिए सरकार इनके व्यवसाय को स्थायी बनाने के लिए कानून में बदलाव कर रही है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए हम शहरी आजीविका पे अपनी चर्चा को जारी रखते हैं। हम बात कर रहे हैं शहरों में भिन्न प्रकार की आजीविका की। अब हम बात करते हैं थोक एवं खुदरा व्यापारी की। बच्चों, थोक एवं खुदरा में वस्तुएं जैसे कि कपड़े, जूते, चप्पल, बर्तन, मिठाइयां, खिलौने, दवा, मोबाइल, बिजली का सामान, भवन निर्माण का सामान इत्यादि खरीदी और बेची जा सकती है। वहीं पे ग्रोसरी वस्तुओं में चावल, दाल, चना, तेल, मसाले इत्यादि खरीदी और बेची जाती है। आपने अपने शहर में गोदाम का नाम जरूर सुना होगा, जहां से आपकी मम्मी थोक भाव में सामान उठाती है, क्योंकि उसका जो रेट होता है वो जो दुकान में लाके बेचते हैं उस रेट से वहां पे रेट थोड़ा कम होता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अब हम चर्चा करेंगे कि इस वीडियो में हमने क्या सीखा। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने ग्रामीण समुदाय के पेशेवर सदस्य और शहरी आजीविका पे चर्चा की, जिसका रेफरेंस है सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक। अगली वीडियो में हम शहरी आजीविका को जारी रखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।